राधे कृष्ण दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो निर्मल भक्त होते हैं उनकी प्रभु से एक ही मांग होती है और वो ये कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भूल करके भी किसी साधन से, किसी कर्म से, किसी देवता या अन्य से मेरी किसी से भी आस ना हो जाए और ना मेरा किसी पे भरोसा हो जाए और ना किसी पे विश्वास हो जाए आपके सिवा। ऐसी एक ही मांग सच्चे भक्त, सच्चे साधक की होती है और जिसके हृदय में ऐसी मांग होती है वो साधक बड़े परम आनंद को शीघ्र ही प्राप्त होता है। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भागवत और गीता में भक्तों से मांग कर रहे हैं कि आप मेरे अनन्य हो जाओ, अनन्य चित्त वाले हो जाओ और जब तक अनन्य भाव में स्थित नहीं होंगे तब तक प्रेम रस का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। यही दिव्यता है अध्यात्म की, परमार्थ की, भगवत चरणारविंद की। ये दिव्य अनुभूतियां है, वो विभूतियां तब तक हृदय में नहीं आएगी। अब इसे बहुत ही एकाग्र पूर्वक सुने। अब ये जो मांग है ये पद ही निर्मल भक्त का हृदय है। इस मांग में हमें प्रभु से ये तक कहना है कि हमें तो हमारे साधना पर भी विश्वास नहीं है, साधन पर भी ऐसा अभिमान नहीं कि जिससे आपके अनुराग की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जी भी श्रीमद् राधा सुधानी में कहा कि सर्वस साधन वर्सेसु चिरम निराशम। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि और आस विश्वास भरोसो अरोजी जड़, अर्थात दोनों का एक ही कहना यही है कि जो भी साधना हो रही है दिनचर्या में वो केवल कृपा के हेतु हो रही है। अब इसलिए मुझे इस साधना पद्धति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मतलब किसी साधना से, यज्ञ से, तप से, कर्म से, दान से, तीर्थ से, शास्त्र स्वाध्याय से आदि 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 या किसी भी से, अब वो चाहे देवता हो, लोकपाल हो, सेना हो या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, कोई भी हो, मेरा किसी और से, आपके सिवा किसी और से ना आस का संबंध होना चाहिए और ना ही विश्वास का संबंध होना चाहिए और ना ही मेरा आपके अलावा किसी और पे भरोसा होना चाहिए। ऐसी विनय, ऐसी विनती, ऐसी मांग मेरी स्वीकार्य कर लो। सिर्फ इतनी ही मांग गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से कर रहे हैं और वे ये कहते हैं कि ऐसी ही मांग एक सच्चे निर्मल भक्त, साधक, उपासक के हृदय में आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु से हमारे हृदय के ऐसे अनन्य, ऐसे निर्भर, ऐसे दृढ़ विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण की स्थिति करवानी है, जिसके प्राप्ति से, मतलब ये स्थिति इसलिए प्राप्त करनी है ताकि हमें किसी और से लगाव ना हो जाए, यहाँ तक कि किसी साधना, कर्म या कोई भी, इनसे लगाव ना होने पावे, उनसे आस नहीं होनी पावे, उनसे आसक्ति ना होने पावे, क्योंकि हमें उस पे विश्वास नहीं, उस पर भरोसा नहीं। आस आस्य आसतम भृशमानु जाए, अर्थात एकमात्र हमें विश्वास है आपके कृपा के ऊपर, एकमात्र हमें भरोसा है आपके गोरे चरणारविंद के ऊपर। काहू के बल भजन तो काहू के बल आचार, अब व्यास भरोसे पर, अर्थात एकमात्र हमारे साध्य साधना जो भी कुछ है वे केवल आप है, आप और बस आप। इतनी एक मांग सच्चे साधक करते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। यदि मित्रों आपने ये छोटी सी मांग ना भी की हो तो कोई बात नहीं, आज ये मांग कर लीजिए, क्योंकि इसी मांग से हम प्रभु के पूर्ण हो जाएंगे, प्रभु के भरोसे लायक हो जाएंगे, जिससे प्रभु की कृपा के पात्र हम हो जाएंगे और इसी मांग से हमारी साधना पे जो अभिमान घमंड था बचा कुचा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो कहा है अधिक साधना से तो केवल अहंकार नष्ट होता है, भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल कृपा से ही प्राप्त होती है। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।